अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करना पसंद है एंड आपको कई बार इंस्टेंट हेयर स्टाइलिंग चाहिए होता है, तो आपके पास इस तरह की हेयर स्टाइलिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड अमेजोन पे अभी प्राइम डे सेल चल रही है, जिसमें आपको अप टू 80% प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस हेयर टीजिंग कॉम्ब। नाउ ये वुडन है एंड इस तरह की टीजिंग कॉम्ब होती है, कांटा टाइप का, बट हेयर पर बहुत स्मूथ है ये। इससे हेयर बहुत अच्छी से टीजिंग हो जाती है, हेयर को आप बहुत अच्छी से पार्टीशन भी कर सकते हो। ऑल्सो ये स्लीक हेयर स्टाइलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, लाइक स्लीक ओपन हेयर स्टाइल, स्लीक बन हेयर स्टाइल, स्लीक पोनी हेयर स्टाइल। तो आप देख ही सकते हो मैंने कितनी ईजिली ये बना लिया एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। लिंक ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकेंड जो है गाइज, माई फेवरेट मतलब अभी के लिए फेवरेट है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी है। कलरफुल हेयर एक्सटेंशन, सेट ऑफ 10 है, $4.99 आई गेस इसकी प्राइस होगा एंड बहुत ही अच्छी इस तरह की क्लिप है। इसमें आप बस अटैच कर लो डिफरेंट कलर्स में। आप मतलब अगर आपको कलरफुल हेयर एक्सटेंशंस पसंद है, हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहते हो, ओम्ब्रे इफेक्ट चाहते हो, तो इसे ज़रूर बाय करना गाइस। काफ़ी अच्छी है ये, देखिए मैं इसे खींच रही हूँ, नहीं निकल रही है, बहुत अच्छी है। आप इसे कर्ल भी कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड जो है गाइज, ऑब्वियसली ये बैंग, मतलब बैंग एक्सटेंशन। अगर आपको बैंग हेयर स्टाइलिंग पसंद है एंड आप हेयर को कट भी नहीं करना चाहते हो, तो बस ये क्लिप ऑन है, आप क्लिप की तरह इसे अटैच कर लो एंड यू आर गुड टू गो। इससे आपको हेयर कटिंग की भी ज़रूरत नहीं है एंड इंस्टेंट आपको हेयर स्टाइल मिल जाएंगे, ओपन या फिर पोनीटेल, कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हो फ्रंट में। एंड ये कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, तो आप आपकी हेयर कलर के अकॉर्डिंग भी इसे बाय कर सकते हो। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 200 के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी एज इट इज़ है। ओके, नेक्स्ट जो है गाइज, ये बॉबी पिन। नाउ बॉबी पिन एक ऐसी हेयर स्टाइलिंग टूल है जो हमेशा खो जाती है, मतलब टीनेज से अभी तक मेरी आई थिंक 1000 से ऊपर ये बॉबी पिन खो गई। एंड ये जो है उल्विन ऐसा कुछ ब्रांड की है, सेट ऑफ 100 है, बॉक्स में है। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है स्टोर करने के लिए, खो नहीं जाती है। एंड बॉबी पिन तो हर टाइप की हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हेयर स्टाइलिंग टूल है, एक्सेसरीज है, तो आप ये सेट बाय कर सकते हो। जब से मैंने इसे बाय किया है ना, तो वो खो जाने की प्रॉब्लम अभी नहीं है। मैं इजिली इसे मतलब उतार के स्टोर कर लेती हूँ, काफ़ी अफोर्डेबल है, ये भी आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है गाइज, अगेन हेयर एक्सटेंशन है एंड ये हाई पोनीटेल हेयर एक्सटेंशन है, इस तरह की बैंड टाइप का है। नाउ ये भी मैं आई थिंक 1.5 साल हो गई है यूज़ कर रही हूँ, इस तरह की स्ट्रेट हेयर में है। आप चाहो तो कर्ली हेयर में भी बाय कर सकते हो, ये वॉशेबल है। आप देखिए मैं यहाँ पर कॉम भी कर रही हूँ, तो अगर आपकी हेयर कम है, शॉर्ट है या फिर घने नहीं है, तो आप बस आपकी पोनी के अराउंड इसे रैप कर लो बैंड की तरह एंड यू आर गुड टू गो। आप इसे चाहो तो कर्ल भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी रख सकते हो, काफी अच्छी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है गाइज, इस तरह की एक क्लिप। नाउ ये जो क्लिप है, मैं ये इसलिए दिखा रही हूं, एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड अगर आपको इंस्टेंट कोई भी हेयर स्टाइलिंग करना है, कहीं पर भी जाना है, आप चाहते हो बहुत ही जल्दी आपकी हेयर स्टाइल हो जाए, तो इस तरह से एक हेयर स्टाइल कर लो, बहुत ही सिंपल इजी 1 मिनट के अंदर। एंड इसे आप अटैच कर लो कोई भी इंडियन आउटफिट के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। एथनिक वेयर के साथ ये बहुत अच्छी जचेगी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है गाइज। मतलब सिंपली आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। आप बन में भी इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप इसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है गाइस, स्क्रंचीज। नाउ स्क्रंचीज एक ऐसी मतलब रबर बैंड टाइप, रबर नहीं है ऑब्वियसली, ये सैटिन क्लॉथ से बनी है, बट स्क्रंचीज अगर आप यूज़ करते हो तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यस, रबर बैंड या फिर कोई और कोई इलास्टिक जो होती है ना, जब हम उसे उतारते हैं तो उसमें कई सारी हेयर फंसी रहती है, बट स्क्रंचीज जो है आप बहुत ही ईजिली आपकी हेयर पर इसे, आपकी हेयर को सिक्योर कर लो। आप जब इसे उतारेंगे ना, तो आपकी हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर पर दर्द नहीं होती है। आप इसके साथ हेयर को टाई करके रात में सो भी सकते हो, आपकी हेयर काफ़ी हेल्दी रहती है। ये सिर्फ 24 है एंड ये भी आई थिंक आपको 300 के अंदर मिल जाएंगे, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसे उतार लिया, एक भी हेयर इसमें नहीं फंसी है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, ये सारी हेयर एक्सेसरीज या फिर टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर हेयर स्टाइलिंग। सारी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके बाय कर सकते हो। बाय।